नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज आप लोग के साथ मेरी थोड़ी बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो अभी मैं किचन में हूँ, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले स्कूल से आई हूँ और अभी मैंने साड़ी चेंज नहीं की है। और मैं यहाँ पर जो पापड़ होता है, दाल वाले जो पापड़, उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। फ्राई नहीं कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पापड़ एकदम क्रिस्पी सा रोस्ट हो गया है। और ये जो रोस्टेड वाले पापड़, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये आज किया है, शैम्पू किया है दादी ने उसके। आज उसके स्कूल में छुट्टी भी थी तो दादी ने उसको अच्छे से शैम्पू करा दिया, क्योंकि धूप भी बहुत दिनों के बाद धूप निकला है। अभी दोपहर का लंच और मम्मी ने बनाया है ये पत्ता गोभी की यम्मी वाली सब्जी है। यहाँ पर एक खीरे का रायता, वहाँ पर मैंने पापड़ रोस्ट किया है और ये है अरहर की दाल। तो गाइस, खाना पीना दोपहर का कंप्लीट हो गया, तो किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया। और इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंडी रहती है, लेकिन दोपहर के समय मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। एक महीना ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था। और देखिए, मैंने कान में नहीं पहना है क्योंकि कल रात को मैं एक शादी में गई थी तो मैंने चेंज किया था। अब सुबह इतनी जल्दबाजी थी, स्कूल जाना था, तो इसलिए मैं कान में पहन नहीं पाई। तो हाँ, तो इसी बात से याद आया कि बहुत दिनों से सोच रही हूँ, काफ़ी समय से भी सोच रही हूँ कि मुझे टिया का भी ईयर पियर्सिंग करवानी है। तो आज तो है फ्राइडे, मतलब 2 फरवरी है, तो सोच रही हूँ ये काम आज ही कर डालूँ, क्योंकि अब ठंडी जा रही है और ये ठंडी में पकने का भी एकदम डर नहीं रहता है। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमें याद है, मेरे बड़े पापा ने मेरी और मेरी बहन का, हम जो रोड से तो जाते हैं साइकिल वाले, कान छेदने वाले, नाक छेदने वाले, उन्हीं से हम लोग का ये छेद दिया था। तो ये एक याद रह जाती है। उस समय तो पकता नहीं था, लेकिन अब कोई करता ही नहीं है, शायद करते भी होंगे तो वो पक जाता है। तो टिया मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि टिया का आज कि मम्मा कब मेरा कान छिदाओगी, मुझको भी तुम्हारी तरह कान में बड़े बड़े वो पहनने हैं, झुमके पहनने हैं, इयररिंग्स पहनने हैं। और आप देख रहे हैं, मैंने रेड के साथ एक येलो कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। एक्चुअली सुबह के वक्त स्वेटर पहन लेती हूँ, तो स्वेटर के नीचे कौन देख रहा है कि किसके अंदर कौन क्या पहना है। लेकिन हाँ, अब जब स्वेटर उतरेगा तो धीरे धीरे मैचिंग ब्लाउज भी हो जाएगा। सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए थे, तो सुबह मैं 6 बजे के करीब उठी थी, तो अभी थोड़ी सी मुझे आ रही है नींद। और अभी पीछे जस्ट कपड़े मैंने अभी भी बेड पर रखे हैं, बाहर से धूप सूख गए हैं तो उसको भी मुझे तहाना है। और आप सोचिए थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि शाम को मुझे निकलना है। किस लिए? जाऊँगी टिया के साथ उसके ईयर पियर्सिंग के लिए। चावल का दाना रखा था, सूख गया। चिड़िया के लिए रखा था, एक तो जो मिट्टी वाला जो बड़ा सा पॉट होता है मैंने उसी में रखा था, लेकिन वो नीचे गिरकर टूट गया, इसीलिए इस बार प्लास्टिक में रखे हैं। अब देखिए आ रही है चिड़िया, सुबह के वक्त आती है, इस समय उतनी नहीं आती है। मैंने चिड़िया लोग के लिए जल रखा, चिड़िया लोग के लिए जल रखे। चलो ठीक है, रखे दो। चलो, अरे इसका हाथ वगैरह सब भेंगे दिए तुम्हें। हल्की हल्की गर्मी तो इतनी आ गई है कि स्वेटर तो अब पहना नहीं जा रहा है। तो पार्सल आया है, आजकल ये नया सिस्टम शुरू हुआ है। टिया के लिए मैंने लिटिल जॉयस मंगाया था 2 डिब्बे, तो वही आया हुआ है। जी जी भैया, यही दोनों हैं। ठीक है, इटा के फैले थे बिच्छी एक गंध बेर। तो ये टिया के लिए लिटिल जॉय का ये आया। कोरियर वालों की टाइमिंग या फिर रात को 10:30-11 बजे होती है, या फिर दोपहर के समय थोड़ा सा भी सोने का टाइम मिलता है, लोग इसी समय आते हैं। तो गाइस, अभी बज रहा है शाम के 4:45। तो मैं और टिया रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं। किस चीज के लिए जा रहे टिया? कान छिदाने। कान छिदाने जा रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है ना टिया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मैंने एक हल्का सा वुलन सूट पहन लिया है, क्योंकि गर्मी हल्की हल्की आ गई है, मतलब ठंड नहीं लग रही, स्वेटर पहनने पर गर्मी लगती है। एदिके चलो, एदिके एदिके ठीक करो, चलो पाक हो सके ना, चल चलो।
कि अच्छा ठीक अच्छा इसका वेट कर पापा। अभी मैं और तिया रिक्शे में जा रहे हैं बस थोड़ी देर में हस्बैंड हम लोग को पिक करने आ जाएंगे। हस्बैंड का वेट करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये टिया मेरी बैठी हुई स्कूटी में और वो पीछे देखिए वो पत्थर गिरजाघर वाला है। टिया बैठा करे छे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और डर लग रहा था कि पता नहीं क्यों रोई कि क्या करे। नहीं लगता नहीं दीदी। अच्छा मैम जो काफी जगह पर हमने वो पूछा तो उन्होंने बोला कि गोल्ड से करने पर बाद में आर्टिफिशियल पहनो तो पक जाता है। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले ना नीम की सीख डालिएगा पहले देने दीजिए। तो भी आप एक टाइम बता दीजिए हफ्ता 10 दिन। हाँ हाँ 15 दिन। 15 दिन फाइनली आइडिया मेरी परी का कंप्लीट हो गया। सौम्या ठीक हैप्पी हैप्पी फाइनली माय ड्रीम्स कम ट्रू। करो एक टू लूज करो मम्मा का गला। तो शॉप से निकलते निकलते रात के 9:15 बज के कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर थोड़ा सा कलर वाली प्रॉब्लम है। हम लोग तंदूर में बैठे हुए हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अभी हम तंदूर में बैठे हुए हैं तो यहीं से सोच रहे हैं डिनर करके जाएंगे फिर घर जाएंगे। मम्मा पापा का हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल रात को जो वो वीडियो मैं एंड नहीं कर पाई ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम तो ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो अभी बज रहा है 3:00 तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने और थोड़ी देर पहले मेरे को स्कूल से आया है। आज उसके पापा खुद ही आदित्य को स्कूल से लेने गए थे तो हम और मम्मी कमरे के अंदर ही बात कर रहे थे तो मेरी टिया ने मतलब बाहर ही एक ज़बरदस्त जय श्री राम का एक वीडियो बनाया एक शॉर्ट वीडियो बनाया जो मतलब हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा कि वो इतना अच्छा वीडियो वो कैसे बना लेते इतना अच्छा एक्टिंग करके। तो उसको मैंने यूट्यूब में वो वीडियो अपलोड किया है आप लोग ज़रूर उसको प्लीज़ देखिएगा। तो अब हम जा रहे हैं दोपहर का लंच करने पालक चौचौड़ी वेजिटेबल्स के साथ है दाल है यहाँ पर है पत्ता गोभी की सब्जी मटर के साथ और ये है कढ़ाई पनीर जो कि बाहर से है। मम्मी अभी काट रही है अमरूद और अमरूद इतना ज़्यादा मीठा और एकदम देखिए इलाहाबादी वाला लाल लाल अमरूद। जब से स्कूल से आई हूँ टिया रोई जा रही है क्यों मम्मा तो मेरे लिए स्कूल से कुछ नहीं लाती उसको रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए कहे लॉलीपॉप खाना ज़्यादा लॉलीपॉप खाओगी तो दांतों में मोटे मोटे कीड़े पड़ जाएंगे लेकिन नहीं मुझको लॉलीपॉप ला कर दो भी रोई जा रही है लेकिन नहीं देंगे उसको लॉलीपॉप। तो अभी हूँ मैं किचन में और अभी मेरा पूरा जो गैस वाला स्टोव है इसको मुझे अभी पूरा साफ़ करना है तो मैं जो लिक्विड सोप होता है उसी से मैं गैस को पूरा अच्छे से इसको वॉश कर देती हूँ। किचन वगैरह मैंने पूरा साफ कर लिया तो
स्वेटर इस समय दोपहर के समय पहना नहीं जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब स्वेटर पहनने से गर्मी लगेगी। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है, बाहर धूप तो अच्छी खासी तेज़ है। और ये सुबह स्कूल जाने से पहले मैं ये कपड़े सुबह फैला कर गई थी तो ये तो ऑलमोस्ट सूख गए हैं, लेकिन अभी मुझे फिर कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। सामने की तरफ उतनी हवा नहीं रहती है लेकिन इस साइड में जिस साइड में पेड़ है बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है। अदू चलो पे पढ़ते बसो, अरे अरे करो ना पढ़ते बसो। तो ये एक एयर ड्रॉप है, मतलब इसको कल जहाँ टिया का मैंने एयर पेयरसिंग करवाया है वहीं से मिला हुआ है कि इसको दिन में दो तीन बार आप दो तीन तक दे दीजिएगा। टिया कहाँ है पापा, आ काले लटा घूरिए दी। अच्छा यदि काशो गुस्सा ना, यदि काशो। और ये देखिए उन्होंने बोला था कि जो ये है इसको रेगुलर घुमाते रहेगा तो उससे होगा क्या, जो गोल्ड है वो स्किन से चिपकेगा नहीं, तो दिन में दो तीन बार इसको घुमाने के लिए बोला गया है। और उसके बाद जो ये एयर ड्रॉप है ये लगा देना है। दे टू लगी दीदा, पिछू में लगी दी बाबा, किचो बिना छूना हुआ बस स्टॉप हो रहा। ये अमरूद का साइज़ देखिए, जितना ज़्यादा मीठा है उतना ही ज़्यादा इसका साइज़ है, कितना बड़ा है। एक ही अमरूद ही कम से कम 400-450 ग्राम का है। तो अभी दो काट कर खा लिया गया है। और ये शकरकंदी ये कब से ख़रीद के रखे हैं कि सोच रहे हैं इसका वो बना ले जो छोटे छोटे रसगुल्ले टाइप के बनते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। देखिए कल संडे है, कोशिश तो है कि इसको कल बना लूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी बज रहा है शाम के 6:30, बेटा गया है कोचिंग और मम्मी वहाँ पर, वो देखिए अपना हिसाब वगैरह सब कुछ लिख रही हैं। बेटा गया है कोचिंग, उसके पापा गए उसको लेने और टिया बैठकर अभी पढ़ाई कर रही है। और मैं आई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ टिया के लिए शाम वाला नाश्ता। और ये मैंने बनाया है टिया के लिए ओट्स मिल्क। मैंने ओट्स को मैंने मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया था, फिर दूध को उसके साथ मैं बॉयल करके दी हूँ। उसमें मैंने अखरोट और बादाम और एक दो पीस काजू मैंने बड़ा, ये देखिए तो बताइए आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या ये सब आसानी से खा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत रोएगी, बहुत चिल्लाएगी, मम्मा मुझको नहीं खाना है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ को लगता है कि सब चीज़ अच्छे से खा ली जो भी हेल्दी चीज़, तो मैं उसको बहला फुसला कर आधे घंटे में मैं उसको पूरा फिनिश करूँ। तो चलिए ये देखिए ये मेरा बन गया है और अब उसका खाने का रिएक्शन। तो मैं ओट्स मिल्क ओट्स रेडी। नहीं मम्मा, नहीं कहते तो हो बे। ओके पर फिनिश कर लेना है ना, ठीक है? टीवी देख के खाऊंगा। टीवी देख देखते खेने वे तो हाँ, ओके फट से बस उल्टा बना दी है ना बाबा। फिर चूल लंबे बड़े हो जाएंगे बड़े। सॉरी मैंने बड़ा कह दिया बड़ा। 3 1 3 3 2 6 लिखो, एक अने 6 लिखो। 3 2 6 3 2 6 3 3 9 वेरी गुड। 3 3 9 তারপরে 3 3 9 3 4 12 वेरी गुड। 3 4 12 তারপরে 3 5 5 15 वेरी गुड। 3 6 18 वेरी गुड। 3 6 18 3 7 3 7 21 21 21 3 8 3 8 24 24 3 9 3 9 27 27 next 3 10 30 very good। तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो गया है, अभी रात के बज रहे हैं 9:30। बस हस्बैंड भी टिफ़िन वगैरह लेकर वो ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और मैंने देखिए यहाँ पर ये मैंने शकरकंद उबाल के रखा हुआ है। अब सोच रही हूँ इसका मैं चटपटा सा चाट बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत रात हो गया है। या फिर कल सुबह सोचूँ नाश्ते बनाओ जो एकदम धनिया पुदीने की चटनी इमली की चटनी के साथ, सोचूँ वो चाट बनाओ या फिर इसका गुलाब जामुन, दोनों में से कोई एक तो मैं बनाऊँगी।
और ये मेरी टिया यहाँ पर खड़ी हुई है दो छोटी बना के, और दो छोटी बनाकर मेरी टिया बड़ी प्यारी लग रही। और मैंने पहले हस्बैंड का एक जैकेट, क्योंकि रात के समय थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही थी। तो अब जा रही हूँ हम लोग डिनर करने। तो डिनर में मैंने सिंपल रोटी बनाई है और दोपहर का अरहर की दाल रखी हुई थी उसको मैंने अच्छे से छौंका और थोड़ा सा मैंने आलू फ्राई किया। तो चलिए फ्रेंड्स, वो कहता है मुझे मम्मा वीडियो में मत लाया करो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करी। बोलो बोलो, वीडियो में हर समय ऐसे करता रहता क्या? अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स, बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, तो मैंने कल का और आज का सारा दिन का मैंने थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपके साथ शूट किया। तो कल मैंने अच्छी सी अपनी गोल्ड की शॉपिंग की जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैंने सोच रही हूँ मैं इसको परमानेंट पहनी रहूँगी। तो चलिए वीडियो पर ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह आपके साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।